अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नसरीन ईट चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन मलाई बोटी। तो चले चलते हैं जल्दी से रेसिपी की तरफ। मैंने 1.5 पाव के करीब बोनलेस चिकन लिया था, उसको इस तरह पीस पे कट कर लिया था। छोटे छोटे पीस में आपने इनको कट कर लेना है। अब इसको मैंने वॉश करके इसका पानी खुश कर लिया था। अब मैं इसमें 5 टेबल स्पून दही शामिल करूँगी, 5 टेबल स्पून क्रीम शामिल करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 2 से 3 हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टीस्पून कुटा धनिया, 1/2 टीस्पून दखनी मिर्चें या वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और मैंने 1.5 से 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो इसमें सोया सॉस शामिल करा था, और 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो मैंने इसमें चिल्ली सॉस शामिल करा था। और आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। इतना अच्छे से मिक्स करना है कि चिकन का कोई भी पीस जो है वो बाकी ना रहे। अब आपने इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट कर फ्रिज में रख देना है कि इसका मसाला जो है वो अंदर चिकन तक चले जाए। अब मैंने 2 से 3 घंटे हो गए थे, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था, और इसको वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आपने ऑयल की फ्लेम को जो है ना वो मीडियम रखना है, फ्लेम हाई नहीं रखिएगा, नहीं तो आपकी चिकन जो है वो ऊपर से जल जाएगी, यानी ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएगी। मीडियम फ्लेम पर आपने इन सब चिकन को ऑयल के अंदर डाल देना है स्पून की मदद से। जनाब चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मालूम हो जाएगा। ये देखें, मैंने चिकन को ऑयल के अंदर शामिल कर दिया था और फ्लेम जो है वो हमारी मीडियम है। ये बहुत मज़े की बनती हैं, आप ट्राई कीजिएगा। आप ट्राई करके ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी है। और ये मैंने मीडियम फ्लेम कर करना इसको ढक दिया था, 5 से 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोला, इसमें थोड़ा सा पानी था, इसको 5 मिनट मज़ीद दम पे रख दिया था। और आपने इसको हल्के हाथ से चलाना है कि आपकी चिकन जो है वो टूटे ना। बस आपने इसका पानी फुल फ्लेम करके खुश कर लेना है जब आपकी चिकन गल जाए। और मैंने इसमें कोयले का धुआं लगा दिया था, अगर आपको पसंद है तो आप लगा लें, ना पसंद है तो ना लगाएं। मैंने इसे डिश आउट कर लिया था और इसके ऊपर लेमन जूस डाला था और हरी मिर्चों से इसको गार्निश कर लिया था। बहुत मज़े की बनती है रेसिपी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मैंने इसको लच्छा प्याज और ग्रीन रायता के साथ जो है वो इसको सर्व किया था। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नसरीन ईट चैनल को सब्सक्राइब करें। आई वेट योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।